General Secretary in charge, West Bengal, AICC, Dr. C.P. Joshipe. Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে কৃষকদের জন্য লড়াইয়ে নেমেছেন, সেই কৃষকদের যাতে অধিকার ফিরে আসে তাকে মাথায় রেখে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির একটি ছোট্ট স্মারক উপহার সহসভাপতি রাহুল গান্ধীর জন্য। রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, এবারে দেওয়া হবে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বন্দে মাতরম! ভূমিকম্পের যে দুর্গত মানুষদের তাদের সাহায্যের প্রদীপ ভট্টাচার্য। আমাদের মৃত্যু নেই, তাই আমরা জীবিত আছি। আমাদের মারবার ক্ষমতা কারণ নেই, শ্রমিক হোক বক্তৃতা নয়। আজকে আমরা শুনব রাহুল গান্ধীজিকে। আপনার ইয়াদ হোক, উনকা সংগঠন থা বেঙ্গল কি জো আত্মা হ্যায়, জিসকে বারে মে রবীন্দ্রনাথ টাগোর জি নে বোলা থা, লিখা থা, উসকো উনকে সংগঠন নে দবা কর রাখা হুয়া থা। और बाकी देश आगे निकल गया और बंगाल जो इस देश की शान है, जो इस देश को पहले रास्ता दिखाता था, वो कहीं ना कहीं फंसा रह गया। चुनाव हुआ भैया, ठहर जाओ, चुनाव हुआ और मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल की सरकार बनेगी, उनका फूल का सिंबल है, उनके झंडे पे फूल है। मैंने सोचा कि हथौड़ी जाएगी, फूल आएगा, हाथ आएगा, और पता लगा कि फूल हथौड़ी से भी ज्यादा जोर से हथौड़ी मार रहा है। जो उन्होंने किया वो ममता जी और गहराई से और ज्यादा एफिशिएंसी से कर रही। कुछ समय पहले, एक साल पहले दिल्ली में नई सरकार आई, आप सब जानते हो, सूट बूट की सरकार आई, बहुत वायदे किए, जैसे ममता जी ने वायदे किए रोजगार के बारे में कहा, प्रगति के बारे में कहा, विकास के बारे में कहा, फैक्ट्रीज के बारे में कहा, दोनों ने कहा। एक साल हो गया, जब भी मैं ऐसी मीटिंग में जाता हूं मैं पूछता हूं, भैया एक व्यक्ति जिसको रोजगार मिला हो हाथ उठा के दिखा दे, और किसी का हाथ नहीं उठता। बड़े बड़े वायदे किए, सफाई की बात करी, आपसे कहा भैया ऐसे करो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, झाड़ू उठाओ जाके सफाई करो। उसके बाद झाड़ू का काम बंद हुआ, अब कह रहे भैया रोजगार को भूल जाओ, राजपथ पे जाके योगा करते हैं। तो नई नई बातें आती है, मगर ये सब नई बातें वायदों को छुपाने के लिए की जाती है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, यूपीए ने हमारे आर्मी के जो जवान हैं उनके लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए पैसा दे दिया। चुनाव से पहले मोदी जी गए, हरियाणा गए, पंजाब गए, सब जगह गए, कहते भैया हमारी सरकार आएगी तो वन रैंक वन पेंशन एकदम हो जाए। एक साल हो गया,
आर्मी के जवान रो रहे हैं, कह रहे भैया हम जाके आंदोलन करेंगे, हमें वन रैंक वन पेंशन कब मिलेगा आप बता दीजिए, हमें डेट बता दीजिए। मोदी जी कहते नहीं भैया हम योगा कर रहे हैं, बाद में पूछना। बाकी उनकी पार्टी के नेता जो बोले उसका कोई लेना देना नहीं, बंगाल के युवा जो है वो बोले उसका कोई लेना देना नहीं, मगर अगर बांग्लादेश जाना है तो मोदी जी के साथ चलिए। अब अगर आपको यहां गाड़ी तेजी से ले जानी है तो सिर्फ एक रास्ता है, ममता जी को कहिए गाड़ी से निकले, कांग्रेस पार्टी को गाड़ी में डालो और फिर कांग्रेस पार्टी तेजी से एक्सेलरेट करवाएगी, बंगाल आगे जाए। और ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। और मैं जानता हूं कि शायद आपका काम बाकी स्टेटों से मुश्किल है, क्योंकि बाकी स्टेटों में आपको मारा नहीं जाता है, आपको पीटा नहीं जाता है, आपको दबाया नहीं जाता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों का काम मुश्किल है, मगर मुझे यह भी मालूम है कि आपके आपके खून के अंदर कांग्रेस पार्टी लिखी हुई है। और मैं जानता हूं कि आप लोग बंगाल की जनता के लिए लड़ जाओगे, अकेले खड़े होंगे और बंगाल को तेजी से आगे ले जाओगे। मैं ऐसे बात को जानता हूं, मेरी जहां भी आपको जरूरत होगी, छोटे से गांव में, कलकत्ता में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में आप मुझे ले जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। दो तीन ममता जी की लाठी मुझे भी खिला दो अपने साथ। आज मैं फूड वर्कर्स के पास गया, उनकी झुग्गी झोंपड़ियों में गया और उनके आंख में आंसू थे। और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी बंगाल कब आगे जाएगा, ये बिलें कब चलेंगी, हमारे सपने कब पूरे होंगे। मैं उनको आज यहां से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आपके सपनों के लिए लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का वोटर आपके सपनों के लिए लड़ेगा और जल्दी से जल्दी इस प्रदेश को हम आगे ले जाएंगे, बाकी प्रदेश से आगे ले जाएंगे। जो इसकी सही जगह है, पहले नंबर पर सही जगह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रदेश की, पहले नंबर पर जगह है, उसको हम वापस वहीं ले जाएंगे। आप सब यहां दूर दूर से आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा आखिरी बात भूल गया, लंच पे मैंने जब मैं छोटा था दादी यहां आती थी तो मेरे लिए मिश्री दही ले आती थी, तो आज मैंने लंच पे आपकी भेंट की मछली और मिश्री दही खाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।